नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन करंट जीके का एक टॉपिक देखने वाले हैं और ये प्रश्न दोस्तों डेफिनेटली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राज्य के अंदर पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगा है अभी, तो ये आज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं अपन, राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगेगा और ये प्लांट लगेगा दोस्तों दानपुर बांसवाड़ा जिले में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, दानपुर बांसवाड़ा जिले में। अब अपन पावर प्लांटों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो पावर प्लांट है इनको तीन भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला है सब क्रिटिकल, दूसरा है सुपर क्रिटिकल, तीसरा है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। इनकी विशेषता क्या है तीनों की? जो सब क्रिटिकल पावर प्लांट होते हैं उनमें प्रति यूनिट लागत खर्चा सर्वाधिक आता है। प्रति यूनिट, जैसे अपने घरों में अपन बिजली यूज करते हैं तो प्रति यूनिट जैसे 10 रुपये 8 रुपये आते हैं, वो चीज़। फिर है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, इसके अंदर प्रति यूनिट लागत औसत आती है, यानी सब क्रिटिकल से थोड़ी कम आती है, औसत आती है। और अब जो लगेगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, इसके अंदर न्यूनतम प्रति यूनिट लागत आएगी, यानी जो प्रति यूनिट लागत है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी अपन देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये दानपुर बांसवाड़ा जिले में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दानपुर बांसवाड़ा। इसकी क्षमता क्या रहेगी दोस्तों? तो 2400 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी और 800 800 मेगावाट की तीन इकाइयों का इसके तहत निर्माण किया जाएगा। यानी 800 800 की तीन, यूं मान के चले जैसे सेल होते हैं तो वैसे ही तीन सेल बनेंगे, 800 800 मेगावाट की तीन इकाइयाँ होगी अलग अलग। इसमें अनुमानित लागत है वो दोस्तों कितने आने वाली है? 20,000 करोड़ रुपए। तो ये ध्यान रखना, अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए आने वाली है। तो ये छपेगा दोस्तों प्रश्न, छपेगा मतलब छपेगा राजस्थान का प्रथम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा, क्षमता 2400 मेगावाट, 800 800 मेगावाट की तीन इकाइयां, अनुमानित लागत 20,000 करोड़। इसके अलावा अपन एक फैक्ट और देख लेते हैं दोस्तों, अक्षय ऊर्जा। ये अक्षय ऊर्जा क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्षय ऊर्जा दोस्तों वो ऊर्जा है जिससे पर्यावरण को बहुत निम्न स्तर पर नुकसान होता है, यानी पर्यावरण को नुकसान होता ही नहीं है। इसके तहत दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, ये तीन तरह की ऊर्जाएं अक्षय ऊर्जा में सम्मिलित होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना फैक्ट अलग से, कि अक्षय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है और बायोमास एनर्जी है वो आती है। इन तीनों को मिलाकर अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, इससे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो ये दोस्तों करंट का एक फैक्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।